तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आउटलुक का टॉपिक है। तो आज हम करने जाएंगे आउटलुक की सेटिंग करेंगे, आउटलुक में होने वाले फीचर्स को जानेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं आउटलुक की ज़रूरत क्या पड़ती है। आउटलुक एक मेलिंग सॉफ्टवेयर है जो किसी भी कंपनी में लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। आउटलुक के बेनिफिट क्या है? आउटलुक का बेनिफिट ये है कि अगर आपके सिस्टम में नेट भी नहीं है तब भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, अपनी पुरानी मेल को देख सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो कि आपके पास जो मेल है आप उसको सैंड बॉक्स में डाल दो, जैसे ही नेट आएगा ऑटोमेटिक चला जाएगा। जैसे आपके पास व्हाट्सअप फ़ोन होता है कि आपके पास नेट ना हो तब भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, वैसे ही आउटलुक भी परफॉर्म करता है, ठीक है। और कई सारी कंपनियां तो इसको फॉर्मेट के लिए भी यूज़ करती है। क्या करती हैं? फॉर्मेट के लिए यूज़। आपने देखा होगा कभी कभी किसी के मेल में फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी होती है, तो वो किससे डिपेंड होती है? खाली आपकी आउटलुक से होता है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आउटलुक का पहला टॉपिक, पहला पार्ट है आउटलुक में। आज हम सीखेंगे कि मेल को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आउटलुक को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको फाइल में आना पड़ेगा, यहाँ पर अकाउंट में। तो आप जैसे ही अकाउंट पर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर मैंने पहले ही अपने एक ADV Excel के नाम से कर रखा है, ठीक है। अगर आपको नया क्रिएट करना है तो आप कहाँ जाएंगे? न्यू में, ठीक है। आप जैसे ही न्यू पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर पॉपअप आएगा जिसमें पूछेगा आपकी यूज़र नेम, ईमेल आईडी, देन पासवर्ड और रिटेल पासवर्ड। तो बहुत सी कंपनियां इसको फिल करते हैं, बहुत से लोग इसको फिल नहीं करके इसको मैनुअली सेटअप पे करते हैं और देन इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब इसके पास आता है कि outlook.com एक्सचेंज, ठीक है, एक्टिव सिंक्रोनाइजेशन। ये क्या होता है? ये बहुत जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं सारी इसको ही यूज़ करती हैं। जितने ही बड़े लेवल पे काम होता है वो सारा किसके जरिए होता है? इसके जरिए। लेकिन मेरे पास तो कोई कंपनी का डाटा है नहीं या कंपनी कोई आईडी है ही नहीं, तो क्या होता है ना, बहुत सी जगह आउटलुक ना जैसे जीमेल याहू होता है तो बहुत सी कंपनियों की अपनी खुद की आईडी होती है, ठीक है। तो अगर आपके पास खुद की आईडी है तो आप आउटलुक डॉट पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप पॉप और आई मैप पे करेंगे। पॉप के बारे में बता दूं, पॉप क्या होता है? पॉप होता है पोस्ट ऑफ प्रोटोकॉल, और आई मैप की फुल फॉर्म मुझे तो नहीं पता, लेकिन आई पॉप और दोनों में डिफरेंस अभी बताता हूँ। तो हम यही करेंगे, पॉप और आई मैप, देन नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट जाएंगे सबसे पहले आपका नेम पूछेगा, जो भी आपका नेम होगा यहाँ डाल देंगे। मैं लिख दिया, देन किस आईडी को मेल पे कॉन्फ़िगर करना है? तो हमने कहा कि मुझे जीमेल वाली को मेल पे कॉन्फ़िगर करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा BG। JanJ@gmail.com, ठीक है। अब यहाँ पर आता है सर्वर इन्फॉर्मेशन कि आपका PO प्रोटोकॉल version 3 है या फिर आई मैप है। तो आप समझिए आई मैप और प्रोटोकॉल में डिफरेंस क्या है। आई मैप क्या करता है? सपोज मेरे पास एक ही आईडी और मेरे पास चार कंप्यूटर पे है, ठीक है। तो आई मैप से क्या होता है, चारों कंप्यूटर आपस में सिंक्रोनाइज रहेंगे। मतलब अगर मैं किसी एक में मेल देखूंगा तो उसमें दूसरे वाले मेल बता देगा ये मेल चेक हो चुकी है। लेकिन आई मैप में क्या होता है, ये हमेशा चारों सिस्टम पे ये बताएगा कि अभी ये मेल नहीं आई है। जैसे होता है कि आप अपने जीमेल आप यहाँ पर खोलोगे तो आपको दिखाता है नई मेल है, अपने घर पर खोलोगे तो भी दिखाएगा नई मेल। तो किस पे काम होता है वो? आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 पे एक होता है आपका आई मैप, ठीक है। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आपके पास कंपनी नहीं है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास तो कोई कंपनी का इन्फॉर्मेशन नहीं है तब भी मैं पोस्ट ऑफ प्रोटोकॉल 3 यूज़ कर सकता है। इसके वर्जन है लेकिन अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 3। देन अब जो मेल आएगी वो किस सर्वर पे आएगी, तो मैं बोल दूंगा pop.gmail.com। ये सर्वर है, आप इसकी R&D गूगल पे भी जाके कर सकते हैं कि जो भी मेल आएगी वो किस सर्वर से आएगी, pop.gmail.com। इसके बाद होता है सिंपल मेल ट्रांसफर protocol.com, ठीक है। जो मेल आएगी मेरे पास वो किस सर्वर से आएगी, HSMTP मतलब स्मॉल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। नहीं तो बहुत सी कंपनियों के पास होता है कि आप जाओगे तो अपनी खुद की मेल आईडी होती है, तो ऐसे उनके पास मेल आईडीज होती हैं। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी वही डालना पड़ेगा। लेकिन आपके पास अभी आप नॉर्मल जीमेल को कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो कॉन्फ़िगर के लिए उसके लिए यही होगा पॉप जीमेल से, क्योंकि हमारे पास कंपनी कोई सर्वर नहीं है ना। अगर आपके पास सर्वर है तो वो डाल देना, याहू की नहीं कर बता रहा, अभी जीमेल की बता रहा हूँ। याहू की इसमें कॉन्फ़िगर नहीं होती, आउटलुक याहू को रीड नहीं करता।
आउटलुक को कॉन्फ़िगर करता है, नहीं तो आपके पास खुद की कॉन्फ़िगर होगी वो कर सकते हैं। देन यहाँ पासवर्ड डालेंगे, जो भी आपका पासवर्ड होगा। देन उसके बाद अभी स्टॉप कर दो क्योंकि हमने और कॉन्फ़िगर नहीं करी है, ये अभी प्रोसेस में आ गया, मैंने इंटर मारा तो नेक्स्ट पे चला गया था। इसके बाद हमें जाना है मोर सेटिंग पे, और दो टॉपिक है जिसको अनेबल करना है जिससे हमारी इनकमिंग मेल और आउटकमिंग मेल अपने आप हो जाए, क्योंकि सबका अलग अलग कोड होता है। जो इसके अंदर भी कोड डाला है वो बाय डिफ़ॉल्ट आउटलुक का कोड होता है, हमें जीमेल का कोड डालना है जिसका कोड होता है 465465। फिर जाएंगे हम मोर सेटिंग पे, मोर सेटिंग में आता है कि आउटलुक सर्वर, तो आप इस पर क्लिक कर दो, जो आपका आउटगोइंग सर्वर होगा वो ऑटोमेटिक अपने आप ये कर लेगा। देन एडवांस के अंदर आप जाएंगे SSL को सिक्योर्ड सर्किट लो जो लेयर होती है इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इसका कोड आ जाएगा। अब ये क्या होती है कि आपकी जो सिक्योरिटी होती है ना उसके साथ ही आउटलुक को कनेक्ट करके चलती है। देन आउटलुक आउटगोइंग सर्वर कितना होता है, आपका जीमेल का 465 होता है, HTTP का कोड आपका 80 होता है और SSTPM का 105 होता है। तो हम अभी जीमेल का डालेंगे तो 465 होता है। देन उसके बाद यहाँ पर जाके इसको भी एसेस करेंगे, ये बाय डिफॉल्ट जीमेल की कन्फिगर है, आपको यही करनी और कोई चेंजेस नहीं करना। देन ओके, अब आए टेस्ट करें कि मेरी आईडी ठीक है। अब यहाँ पर टेस्ट करें, पहली कंप्लीट हो गई, मतलब लॉगिन सर्वर मेरा काम कर गया, जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 वर्जन काम कर रहा है, दोनों मेरी कॉन्फ़िगर हो गई। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा एंड देन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट, ठीक है, अभी मेल को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, मतलब मेरी जीमेल मेल होती है ना, मैं गूगल पे जाके ओपन नहीं करूंगा, मैं अब आउटलुक पे आके ओपन करूंगा, अपने आप मेरे को जितनी सेंड होगी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, अब ये कॉन्फ़िगर हो गया हमारा यहाँ पर, अब इसको फिनिश कर देंगे। आप जैसे ही फिनिश करोगे तो आप नीचे देखोगे मेरे पास एक और मेल का टॉपिक आ गया, कौन सा, बीजी शाहरुख 15। तो देखिए मेरे पास अब दो मेल को मैं एक्सेस कर रहा हूँ आउटलुक के जरिए। तो आप ऐसे एक एक कई सारी मेल को एक आउटलुक पे एक्सेस कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको इतना ही करना है। तो देखिए मेरे पास एक V.शाहरुख की मेल आ गई। ठीक है, अब मैं एक साथ किसको, दो को मेल कर सकता हूँ। अब अपने आउटलुक को कॉन्फ़िगर करना सीख लिए, दोबारा देख लीजिए कैसे करते हैं। आप फाइल के अंदर जाएंगे, ठीक है, अकाउंट्स के अंदर मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि आपको डिफ़ॉल्ट अकाउंट कौन सा बनाना है, तो मैंने कहा मुझे डिफ़ॉल्ट ये करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे और देन कर देंगे क्या, सेट एज अ डिफ़ॉल्ट। तो अब मेरा कौन डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ये वाला डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद अगर मुझे इसमें कुछ रिपेयर करना है तो रिपेयर में जाके मैं यहाँ से ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर डिलीट करना है तो इसको क्लिक करूँगा और देन यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, ये तो बात हो गई कि अगर आपको एक्सेल 2016 में करना है, अगर एक्सेल 2007 में करना है तो कैसे करेंगे आउटलुक को कन्फिगर, तो आप जाइए आउटलुक 2007 में, देन बोलिए आउटलुक 2007। यहाँ पर 2007 नहीं है आउटलुक, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल से लाना पड़ेगा। तो मैं कंट्रोल पैनल में जाता हूँ, आउटलुक को ये आएगा नहीं दिव्य, ऐसी फॉर्मेट से आपको अपने आउटलुक को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, वो आता नहीं है। यहाँ पर जाके करेंगे रन फ्रॉम माय कंप्यूटर एंड देन पावर पॉइंट को ही कर देते हैं,
ऑन वर्ड को भी, देन कंटिन्यू, देन उसके बाद अब आपका आउटलुक आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आउटलुक के बहुत सारे बेनिफिट हैं। देखिए सबसे पहले बेनिफिट क्या है कि इसका मेलिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। जैसे आप न्यू मेल क्रिएट करेंगे तो आप इसके अंदर देखेंगे कि आपके उस मेल करने के लिए उसके इंसर्ट है, ऑप्शन है, उसके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हो, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, मतलब आउटलुक से आप बहुत सी फॉर्मेटिंग को डिजाइन कर सकते हैं। अभी आप 2007 को बता दूँ, फिर 2016 के बारे में और फ्यूचर के बारे में बताता हूँ आउटलुक के। अगर आप कंपनियों में काम करोगे तो आउटलुक ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, इससे अपने आधे से काम को बहुत आप इजी कर सकते हैं। सर्चिंग बहुत जल्दी होती है इसमें आउटलुक में। ये तो ये कन्फिगर होता है। अब इसके बाद चलते हैं आउटलुक के ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अब बात आती है कि सर अभी आपने पहली क्लास तो स्टार्ट करी आउटलुक की, सबसे पहले आपने हमें कन्फिगर करना सिखा दिया, अब आप ऑप्शन के बारे में क्यों बता रहे हो? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं कि अगर आप उसको अनेबल नहीं करेंगे तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको एक्सेल ऑप्शन में सेटिंग करनी है आउटलुक के ऑप्शन के अंदर। तो फाइल के अंदर जाएंगे, ऑप्शन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आता है शो मिनी टूल बार इन द सिलेक्शन। ये आप जानते हो क्या होता है, इसका यूज़ पता है ना, जैसे आपने एक्सेल में करा था वैसे ही होता है। क्या होता है ये कि जैसे आप जब भी कोई न्यू मेल कन्फर करोगे, जैसे आपने इसको सिलेक्ट करा तो यहाँ पर छोटी सी एक मिनी टूल बार खुल के आती है। अगर आप उस पर टिक हटा दोगे तो वो मिनी टूल बार नहीं आएगी। देन यहाँ से इसको काट दीजिए, उसके बाद फाइल के अंदर जाइए, ऑप्शन के अंदर, ठीक है। अनेबल लाइव प्रीव्यू आता है ना, जैसे आप लोग कलर करते हो वैसे आने लगता है, तो आप यहाँ पर जाके देख भी सकते हो। कैसे, यहाँ गए आप, एरिया को सिलेक्ट करा, जैसे आपने इसको करा, मैं यहाँ से आता हूँ इंसर्ट के अंदर, यहाँ से मैं टेबल ले लेता हूँ, आगे टेबल। अब मैं जैसे इसको टेबल को सिलेक्ट करूँगा और मैं चाहता हूँ कि इसमें कलर हो जाए, तो जैसे ही मैं इसके अंदर जाऊँगा और यहाँ से जो भी कलर को सिलेक्ट करूँगा वो बताता रहेगा कि आपने अभी कौन सा कलर सिलेक्ट करा है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि ये ना आए, तो कहाँ जाएंगे आप, फाइल के अंदर, एक्सेल ऑप्शन अकाउंट के ऑप्शन के अंदर, देन जाओगे कहाँ पर, जनरल के अंदर, और यहाँ से टिक हटा दोगे। अब आता है शो फ्यूचर डिस्क्रिप्शन इन द स्क्रीन टिप्स। ये कि स्क्रीन टिप्स क्या होता है कि आप जैसे किसी चीज़ को लेके जाते हो तो उसके बारे में एक छोटी सी कोटेशन खुल के आ जाती नहीं है कि एड्रेस बुक कितनी, क्या शॉर्टकट है इसकी, कंट्रोल शिफ्ट बी, तो ये एड्रेस के लिए होता है। बहुत सी कंपनियाँ इसको नो करके रखती हैं। देन उसके बाद उसके बाद हम फाइल के अंदर जाते हैं, ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन के अंदर हमें मिलता है कि यूज़र नेम क्या है, तो यहाँ पर आप AKCE बोल रखा है, ठीक है, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, तो मैंने बोल दिया बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रे होना चाहिए। जैसे आप इसको ओके करोगे तो एक्सेल का आपका आउटलुक का कलर क्या हो जाएगा, डार्क ग्रे हो जाएगा। देन आप चाहते हो कि इसका कलर और डिफरेंट करना है तो आप यहाँ पर आएंगे, देन यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, वाइट करोगे तो पूरा वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आउटलुक को चेंज कर सकते हैं। देन अब जनरल के बाद आता है मेल। मेल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो सिग्नेचर। जैसे आपने बहुत सी कंपनियों में देखा होगा, जैसे आप न्यू मेल को क्रिएट करते हो तो यहाँ पर अपने आप सिग्नेचर आने लगते हैं कि आपका ये नाम है, ये तो आप चाहते हो कि अपने सिग्नेचर ऐड करना चाहते हो, तो आप क्या करो, फाइल के अंदर आओ, एक्सेल ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा मेल, मेल में जाइए सिग्नेचर पे गए। मैंने बोला जब भी मैं कोई न्यू मेल क्रिएट करूंगा इस अकाउंट में, ठीक है, न्यू क्या नाम है, मैंने बोल दिया
न्यू के नाम से डाल दिया, देन ओके आ गया फॉर्मेट। यहाँ पर सिग्नेचर पे जाएंगे, ठीक है, मैंने बोला सिग्नेचर ही होंगे, किसको जाए जब ये न्यू मेल क्रिएट होगी तब, अगर मैं किसी को रिप्लाई करूँगा तब भी, तो मैंने बोला मेरी ईमेल आईडी चली जाए, ठीक है, मेरा फोन नंबर चला जाए। अब मैं जैसे ही न्यू मेल आईडी क्रिएट करूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिक क्या होगा, मेरा फोन नंबर आएगा हमेशा। तो इस काम को बचने के लिए ना हम लोग इसको सिग्नेचर को कर लेते हैं। अब देखिए जैसे ही मैं इसको सेव करा, सेव हो गया, यहाँ भी सेव करा, जैसे ही मैं इस वाली मेल में आऊँगा, मैं यहाँ से गया कंपोज न्यू मेल, जैसे ही क्लिक करूँगा तो दो चीज़ मेरे भाई डिफॉल्ट रहेगी। तो इसलिए इसका सिग्नेचर का हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत सी कंपनी में तो आधी इन्फॉर्मेशन आप सिग्नेचर के अंदर ही डाल के रखते हैं कि हमें बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। तो इसी तरह से अपने काम को आप ईजी कर सकते हैं। देन उसके बाद फाइल ऑप्शन के अंदर, ठीक है, मेल के अंदर और बहुत सारे टॉपिक, जैसे आपके पास कोई मेल आएगी तो यहाँ पर एक पॉपअप आएगा साउंड के साथ आएगा, आप चाहते हो कि साउंड के साथ ना आए तो आप यहाँ से हटा दो, कि डेस्कटॉप पे अलर्ट आता है आप यहाँ से टिक हटा दोगे तो आउटलुक पर जो आएगी मेल नहीं उस पर कोई भी अलर्ट नहीं आएगा, ठीक है, कि जो भी मैसेज आते हैं उसको डू नॉट कैटेगराइज कीजिए, उसको कैटेगराइज मत कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास टॉपिक है आप कर सकते हो। देन इसके बाद आता है कैलेंडर। कैलेंडर में क्या मतलब, किस दिन आपको काम करना है, तो मैंने बोला संडे से लेके मंडे काम नहीं करना है बस, तो आप यहाँ से कैलेंडर को डिसाइड भी कर सकते हैं। देन अब आप चाहते हो कि मेरे हॉलीडे ऐड हो जाए तो यहाँ जाओगे ऐड हॉलीडे और अपनी कंट्री का कोई भी हॉलीडे चुन लीजिए, तो मैंने क्या चुन रखा है यहाँ पर इंडिया, देन यहाँ पर ओके कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जाते हैं पॉपुलर के अंदर, ठीक है, कि जब भी आप यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट क्रिएट करोगे तो उसका पहला नेम क्या होना चाहिए, फर्स्ट नेम आना चाहिए, ठीक है। जैसे हम कांटेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप कांटेक्ट क्रिएट करोगे तो उसमें सबसे पहले पूछता है कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, तो आप चाहते हो मुझे फर्स्ट नेम नहीं मिडिल नेम उसका डालना है कांटेक्ट में, तो आप क्या करोगे फाइल के अंदर जाओगे ऑप्शन के अंदर, फाइल के अंदर ऑप्शन के अंदर और यहाँ पर आप जाके कॉन्फ़िगर कर दोगे, ठीक है। देन यहाँ पर कैलेंडर के अंदर कि जब भी आप उसका कॉन्टैक्ट किस करो तो उसका सबसे पहले लास्ट नेम आएगा, ठीक है, और फिर आपका फर्स्ट नेम आएगा। तो इस तरह से आप ऑर्डर में कर सकते हैं। देन अपना टास्क क्रिएट करना है तो टास्क हर कितनी मिनट बाद आपको रिमाइंड करे, तो आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, जब भी कोई भी टास्क हम क्रिएट करें तो वो 8 बजे हमें रिमाइंड कर दें। देन उसके बाद जो आता है वो आता है एडवांस के अंदर आता है, यहाँ से अपनी कंट्री की लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए। देन एडवांस के अंदर हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको आप अनेबल करके कर सकते हो, जैसे शो रिमाइंडर, अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपको कोई भी रिमाइंड नहीं देगा, आप रिमाइंड करोगे तो उसमें साउंड नहीं आना चाहिए, तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन इसके अंदर एक होता है सेंड, क्या होता है जब भी आप आउटलुक में कोई मेल आती है तो वो 30 मिनट के अंदर आती है, अगर आप अभी मैं कोई मेल भेजूँ तो इसके अंदर नहीं आएगी, वो 30 मिनट का टाइमिंग लेके चलती है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि जैसे ही कोई मुझे मेल भेजे तो तुरंत मेरे अकाउंट में क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे फाइल के अंदर आओगे एडवांस के अंदर और यहाँ से कर दोगे आप सेंड रिसीव, इस पर जाओगे एंड देन बोल दोगे कितने मिनट बाद मेरे पास मेल आ जाए, तो यहाँ पर कितना है ऑटोमेटिक 30 है, आप इसको कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते, ठीक है। देन उसके बाद आता है कस्टमाइज रिबन। रिबन क्या होती है कि जैसे आपके पास एक है ना, इसको हम रिबन बोलते हैं, जैसे होम सेंड फोल्डर व्यू, तो आप चाहते हो कि अपने नाम की एक रिबन बना दें तो आप वो भी कर सकते हैं, कैसे एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट सब में ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जाएंगे देन लिखा होता है न्यू टैब, कहाँ क्रिएट करनी है, इसको क्रिएट करोगे तो यहाँ पर देखिए आपकी न्यू टैब से क्रिएट हो गया, मैंने इसको क्लिक करा और बोल दिया यहाँ से रीनेम,
ऑल ऑप्शन देन सेव। जैसे सेव करूंगा देखिए मेरे पास एक नई बॉक्स खुल के आ गई जिसमें लिखा है ऑल इंपॉर्टेंट मेल। अभी ये खाली है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे मेन मेन टॉपिक हैं सारे किसके अंदर आ जाएं, इसके अंदर आ। तो आप क्या कीजिए, फाइल के अंदर जाइए, ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन के अंदर आप जाइए कस्टमाइज रिबन के अंदर। मैंने कहा मुझे इसमें नए ग्रुप में और कुछ चाहिए, तो आप जाइए क्या क्या चाहिए। मैंने बोला पैंट प्रिंट चाहिए, तो इस पर क्लिक करोगे तो इसमें क्या ऐड हो गया आपका प्रिंट। ठीक है, मैं चाहता हूँ सेंड रिसीव आ जाए तो इस पर जाइए आप, इस पर क्लिक कर दीजिए। न्यू कॉन्टैक्ट इस पर ही आने चाहिए, मैं इस पर गया आ गया। न्यू मेल भी इस पर आनी चाहिए, इस पर आइए। ठीक है, जैसे मैं ओके करूँगा देखिए आपके पास एक नई बन के आएगी ऑल इम्पोर्टेंट ऑप्शन की, जिसके नाम प्रिंट सेंड न्यू कॉन्टैक्ट और न्यू मेल है। ठीक है, तो आप यहाँ से अपने नाम की रिबन भी बना सकते हैं। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। मैं एक्सेल ऑप्शन के अंदर आऊँगा, देन जाऊँगा कस्टमाइज रिबन पे, इस पर सिलेक्ट करूँगा और नीचे लिखा है इसको कर देता हूँ रिसेट, देन ऑल ओके आगे। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ना यहाँ पर कुछ अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे ऊपर रखने, जैसे यहाँ पर सेंड का आ रहा है ना, मुझे यहाँ पर एक दो टॉपिक रखने। तो पहला तरीका तो आप यहाँ पर जाके भी क्लिक कर सकते हो, मुझे प्रिंट चाहिए तो प्रिंट आ जाएगा, आपको रिप्लाई का चाहिए तो रिप्लाई आ जाएगा, रिप्लाई ऑल चाहिए तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, एम्प्टी डिलीट आइटम चाहिए वो भी आ जाएगा। तो आपको अगर और सारे लाने होंगे तो कहाँ पर जाओगे आप, एक्सेल ऑप्शन के अंदर, कहाँ पर, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर, और जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। नहीं तो आप ऑल कमांड बोलोगे, जैसे आप ऑल कमांड बोलोगे जितने आपके आउटलुक में सारे कमांड होंगे और यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको दिख जाएंगे। ठीक है, बोल्ट जैसे ओके करोगे सारा आ जाएगा। तो ये कुछ आउटलुक के ऑप्शन थे जिससे आप उसको करने से आप यहाँ पर बेनिफिट होगा। अब इसकी शॉर्टकट किया कंट्रोल बी, नहीं तो अपने कीबोर्ड पे आप ओल्ड बटन दबाओगे जैसे आउटलुक एक्सेल में होता था वैसे ही हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट कितनी है, 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5 और इसकी 6। ठीक है, तो इससे कर सकते हो। तो आज हमने क्या सीखा कि एक्सेल को आउटलुक को किस तरह कन्फिगर करेंगे, आउटलुक के ऑप्शन का क्या क्या बेनिफिट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे 2007 की आउटलुक कैसे करेंगे। देन इसको स्टॉप कर देता हूँ यहीं।